वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेस। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों आज हम लोग बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का, जो जितने भी आपके एग्जाम है हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, जिसको हम टॉपिक का नाम बता दे रहा हूँ, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं दोस्तों, EIA। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपका वेल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं EIA रियल में है क्या, EIA क्या होता है रियल में। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज ए टूल यूज टू असेस द सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट प्रपोजल ऑन द एनवायरमेंट। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी आपके डेवलपमेंटल जो भी आपके प्रपोजल हैं, उनका एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट है, उसको क्या करना, असेसमेंट करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज ए सिस्टमैटिक स्टडी टू आइडेंटिफाई, एनालाइज, कैलकुलेट द एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। तो EIA एक प्रकार क्या है, सिस्टमैटिक स्टडी है, जिसमें हम लोग किसी भी प्रपोज प्रोजेक्ट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि जो हम इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट करेंगे तो उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या रहेगा, उसका एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या रहेगा, इस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और जब हम किसी प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई EIA करते हैं, तो दिस इज कैरिड आउट एट इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के इनिशियल स्टेज पे ही क्या करते हैं, हम EIA हम लोग करते हैं। द नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट USA इन 1969 द फर्स्ट ऑल प्रोवाइड द गाइडलाइन फॉर EIA थ्रू काउंसिल फॉर द एनवायरमेंटल क्वालिटी। नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट USA की हम बात करें 1969 में, एक EIA गवर्नमेंट ने क्या किया, एक काउंसिल डेवलपमेंट किया एनवायरमेंटल क्वालिटी को लेकर के, कि EIA के क्या गाइडलाइन होंगे। एक गाइडलाइन क्या किया गया, बनाया गया था कि जो भी इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट होगा इसी गाइडलाइन के बेस पे होगा। यदि जो भी इंडस्ट्री या डेवलपमेंटल जो प्रपोजल आपके प्रोजेक्ट हैं, यदि EIA के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इट इज द फॉर्मल स्टडी प्रोसेस यूज टू प्रिडिक्ट द एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेज ऑफ प्रपोज मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कोई भी मेजर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको क्या करना, एक फॉर्मल तरीके से स्टडी करना कि एनवायरमेंट पे क्या उसका रिजल्ट पड़ेगा इस प्रपोज प्रोजेक्ट का। जैसे हम कुछ प्रोजेक्ट का नाम यदि हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करें, ये भी पूछा जाता है कि EIA जो है किस टाइप के लिए हम लोग यूज करते हैं, किस टाइप का प्रोजेक्ट होना चाहिए। जैसे कुछ प्रोजेक्ट का नाम है, जैसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, जब हम सीमेंट इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो उसके लिए EIA मैंडेटरी है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री, यदि हम लोग कोई पेट्रोलियम इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए भी क्या EIA आपका इंपॉर्टेंट है। हेजरियस वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, यदि कोई भी आपका मेडिकल वेस्ट या कोई भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाने जा रहे हैं, उसके लिए EIA मैंडेटरी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट हम इस्टेब्लिश करेंगे तो उसके लिए भी EIA की रिक्वायरमेंट है। डिस्टिलरी, जितनी भी आपकी यूनिट होती है, डिस्टिलेशन जितनी भी आपकी यूनिट है उसके लिए भी क्या है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट EIA। हैवी वाटर प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं उसके लिए EIA क्या है, मैंडेटरी है। तो कुछ प्रोजेक्ट का नाम हमने बताया, ये प्रोजेक्ट आपके हैं जो EIA क्या होते हैं, मैंडेटरी। बाकी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए भी क्या है, मैंडेटरी। टू अचीव द एम ऑफ EIA द स्टेटमेंट आर सेंट टू बींग कम्युनिकेटेड टू ऑल द ग्रुप ऑफ। देखा जाए, जो भी हम लोग उसका एम जो होता है, किसी भी आपके EIA का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो स्टेटमेंट सेंड करना, जो भी आपके ग्रुप है जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट करना चाह रहे हैं उनको क्या करना, एक कम्युनिकेट भेजना कि हाँ आपका जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है या जो भी चीज़ है उसका कैसे क्या है। तो इसका दो मेजर ग्रुप की बात करें, द प्रोजेक्ट डेवलपर एंड देयर इन्वेस्टर। देखा, जब कोई भी प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले जो EIA का जो ऑब्जेक्टिव होता है, ये जो इन्वेस्टर है और जो प्रोजेक्ट डेवलपर है उनको क्या करना, EIA की गाइडलाइन को पूरा बताना। द रेगुलेटर प्लानर एंड एक स्पेसिफिक पॉलिसियन, जो आपके पॉलिटिशियन होते हैं उनके लिए क्या करना, एक स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन प्लान क्या करना, डिजाइन करके क्या करना, उनको गाइडलाइन करना कि सर ये गाइडलाइन है, इसी गाइडलाइन के बेस पे ही आप कोई भी प्रोजेक्ट का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं।
अब इसका गोल क्या होता है, अब इम्पोर्टेंट जो होता है कि ईआईए का क्या गोल है, क्या उसका एडवांटेज होता है ईआईए का क्यों। पहला बात करते हैं, टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द कमिंग जनरेशन। जब कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग किसी भी एरिया में स्टेब्लिशमेंट करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है जो कमिंग जनरेशन है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। सेकंड बात करते हैं, टू एश्योर सेफ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव सराउंड। जो भी हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो भी हम प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं उस क्या सेफ है, क्या हेल्दी है, उसके सराउंड के लिए क्या प्रोडक्टिव है, ये भी आपको देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। जो भी वहाँ का जिस एरिया में हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं वहाँ के हिस्टोरिकल और कल्चरल एक्टिविटीज क्या है, तो हमको रिलीजियस को भी देख करके उसके हिस्टोरिकल कल्चरल एक्टिविटीज को भी देख करके हमको करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, टू अचीव द बैलेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड रिसोर्स। जो भी आपके इंडस्ट्री डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ जो पॉपुलेशन है और जो रिसोर्स है उसके बीच क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। ये ना हो कि हम इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट कर दे रहे हैं और रिसोर्स को हम लोग डैमेज कर रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। रिकवरी ऑफ बाई प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम रिसोर्स को डैमेज ना करें। टू इंश्योर सस्टेबल डेवलपमेंट विद द मिनिमम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये इंश्योर करना होता है कि जो भी आपके डेवलपमेंट कर रहे हैं उनका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मिनिमम से मिनिमम है, ना कि बराबर है। सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए एंड इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक। कोई भी हम बात कर रहे हैं, कोई भी आपका इंडस्ट्री डेवलपमेंट करें का सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए और पब्लिक को पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में क्या चीज़ डेवलपमेंट, क्या ग्रोथ, क्या प्रोडक्शन होने जा रहा है, ये चीज़ें पब्लिक को पता होना चाहिए। ये आपका गोल होता है ईआईए का। अब इसका स्टेप प्रोसीजर या मेथोलॉजी क्या होते हैं ईआईए की, यदि हम लोग बात करें वन बाई वन, तो देखा जाए स्टेप की यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या होता है आपका दोस्तों, स्क्रीनिंग। जब कोई भी आदमी कहीं पे कोई भी प्रोजेक्ट का एस्टेब्लिशमेंट करने जाता है तो सबसे पहला होता है जो आपके इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के जो अथॉरिटी साइन होते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं आपकी साइट को विजिट करते हैं और स्क्रीन करते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपके इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए है कि नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरा आपका होता है स्कोपिंग। स्कोपिंग का मतलब होता है कि वहाँ पे वो लोग स्टडी करते हैं कि जो आप इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे तो उसका क्या स्कोप है, वहाँ के लोग के लिए बेनिफिट है कि नहीं। तीसरा जो हम लोग बात करते हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका मेन इम्पैक्ट क्या होगा इन्वायरमेंट के ऊपर, वो भी तीसरा पॉइंट होता है, वो हम लोग क्या करते हैं ये भी आपके आइडेंटिफाई करते हैं। फोर्थ करते हैं इम्पैक्ट मिटिगेशन। इम्पैक्ट मिटिगेशन की बात करते हैं कि जो भी हम लोग प्रोजेक्ट यहाँ पे डिजाइन करने जा रहे हैं यदि उसमें लगता है कि इन्वायरमेंट पे डैमेज करेगा तो उसको क्या करना, इम्पैक्ट मिटिगेशन करना, उसके इम्पैक्ट को कम कर देना। फिफ्थ की बात करते हैं आपकी रिपोर्टिंग। जब कोई भी आप प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसको क्या करते हैं जो अधिकारी आते हैं उसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद क्या करते हैं वो रिपोर्टिंग करते हैं कि जो उसका इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट है कि नहीं है, तो ये भी क्या करते हैं पूरा करते हैं। देन इसको आइडेंटिफाई करने के बाद छठवां क्या होता है वहाँ पे डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब होता है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट हम लोग इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं वो सोशियो इकोनॉमिक है, मतलब इन्वायरमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और साथ में की बात करते हैं मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, उसकी पूरी प्रॉपर वे से इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की मॉनिटरिंग होती है और मॉनिटरिंग होने बाद उसको इवेल्युएट हो जा करके उसका जो फीडबैक है सबमिट हो जाता है। फीडबैक सबमिट हो जाता है देन आप वहां पे अपनी इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। तो ईआईए के लिए ये आपके पूरे आपके क्या होते हैं आपके स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फ्लो चार्ट की बात करें ईआईए की, किसकी बात करें दोस्तों, फ्लो चार्ट की यदि हम लोग बात करें कि उसको फ्लो चार्ट होता है, सबसे पहला आपका पॉइंट होता है आइडेंटिफाई द प्रपोज पॉलिसी। जो भी आपका प्रपोज पॉलिसी है या जो भी आपका प्रोजेक्ट पॉलिसी है उसको करना। इसके बाद आपको क्या करना, सेकंड आपका पॉइंट होता है फ्लो चार्ट की बात करें एनालिसिस बाई एंड मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑफ स्पेशलिस्ट। जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं वहाँ पे स्पेशलिस्ट लोग जाते हैं और उसके प्रोजेक्ट को क्या करते हैं आपको आइडेंटिफाई करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी में कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी भी इन्वायरमेंटल या किसी भी लोग लिए हैजर्ड का काम करेगा। वहाँ पे लोग जाके एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्यूएशन ऑफ बेनिफिट आर एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट।
वहाँ पे जो साइंटिस्ट लोग जाते हैं, जो एक्सपर्ट जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं। आइडेंटिफाई करने बाद वो वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट है इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा कि वो एडवर्स इफेक्ट तो नहीं कॉज करेगा। सेकंड नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट बात करते हैं, यदि उनको लगता है कि नहीं, यदि ये इन्वायरमेंट को हेजर्ड कर रहा है, तो आपको कुछ समय दिया जाता है कि अब आपको क्या करना है, उसको आप करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके इन्वायरमेंटल इशूज हो रहा है आपके इस प्रोजेक्ट से। अब उसको क्या किया गया, उन्होंने उसको अगेन करेक्शन कर लिया। करेक्शन के बाद अगेन क्या होता है, EIS होता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट, ये जिसको बोलते हैं EIS जो होता है, वो उसके असेसमेंट को जो अधिकारी लोग जाते हैं उसको चेक करने के बाद, इसके दो मेजर पार्ट होते हैं, या तो अप्रूव कर देता है, या तो उसको आपके प्रोजेक्ट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, ये बता के कि आपको नोटिफाई कर देगा कि नहीं आपका जो प्रोजेक्ट है इन्वायरमेंट को हाईली डैमेज कर रहा है, तो आपको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। यदि लगेगा कि नहीं इन्वायरमेंट को हेजर्ड नहीं कर रहा है, तो आपके प्रोजेक्ट को क्या करेगा, आपका अप्रूव करेगा। अप्रूव करने बाद आपको गाइडलाइन मिल जाएगा, किस गाइडलाइन के तहत क्या करिए आप उसका, आप इम्प्लीमेंटेशन अपना कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद उसकी क्या होती है, प्रॉपर वे से मॉनिटरिंग और ऑडिट होती है, जब आपका प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टेब्लिश होता है। ये जब मॉनिटरिंग और ऑडिट होती है, तो बाद में क्या होता है, जब आपका प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाता है, तो वो आपको फीडबैक जो होता है ये रेगुलर वे से क्या होना होता है, सबमिट करना होता है कि सर जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये जो इन्वायरमेंट जो किसका इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट आपका नहीं है, ना तो वहाँ के सराउंडिंग को इफेक्ट कर रहा है। तो ये फ्लो चार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फ्लो चार्ट है। आपके एग्जाम में पूछे आते हैं कि ड्रा द फ्लो चार्ट ऑफ EIA, तो ये फ्लो चार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं करंट EIA रिपोर्ट, इंडिया की बात करते हैं। 2020 में क्या किया गया, जो EIA की जो पॉलिसी है उसको क्या किया, अमेंडेड किया गया, कुछ उसमें संशोधन किया गया। संशोधन करने के बाद क्या किया गया, वो अगेन नई गाइडलाइन क्या किया गया, एक इम्पॉर्टेंट टर्म और एजेंसी के अकॉर्डिंग क्या किया गया, उसको EIA को नोटिफाई किया गया। नोटिफाई करने बाद क्या बोला गया कि सबसे पहले क्या है, जो भी आपके जो भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट करेंगे उसको क्या होना चाहिए, एग्रीडेटेड होना चाहिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट से, या आपके असेसमेंट कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से क्या होना चाहिए, एग्रीडेटेड होना चाहिए। दूसरा है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उसको क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सर्टिफाइड ऑफ ग्रीन बिल्डिंग का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आपके लिए गाइडलाइन होना चाहिए, और इको सेंसिटिव एरिया और इको सेंसिटिव जोन क्या होना चाहिए आपका, प्रॉपर वे होना चाहिए। ये आपके न्यू आपकी गाइडलाइन क्या किया गया आपका 2020 में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के गाइडलाइन न्यू ड्राफ्ट किया गया। ये न्यू ड्राफ्ट ले किया गया कि उससे डिफरेंट आपके कोई भी इंडस्ट्री डेवलपमेंट करेंगे तो आपको क्या होना चाहिए, ये सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो श्योर आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और शेयर आप करेंगे तो किसी बच्चे के लिए बेनिफिट हो सकता है। और ये वीडियो चाहे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हों, चाहे एकेडमिक कोर्सेस हों, चाहे बीटेक कर रहे हों, या बीएससी कर रहे हैं, एमएससी, एमटेक, या नीट, सीएसआई, या नेट, कुछ भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आपका वीडियो है, हम लोग नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।